ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ न्यूमेरिकल्स. ठीक है, सो दिस न्यूमेरिकल्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द यूनिट स्टेट्स ऑफ मैटर. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल. सो दिस न्यूमेरिकल दैट इज कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4.0 मोल्स ऑफ अ गैस. ठीक है, कहते कि टेम्परेचर कैलकुलेट करो. ठीक है, जिदे मोल्स ऑफ गैस किन्ने हैगे दैट इज 4.0. सो 4.0 मोल्स मतलब साढ़े को गिवन आ, दैट इज एन गिवन आ. ओके, एंड ऑक्यूपाई आ 5 डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, 5 डेसीमीटर क्यूब एक वॉल्यूम का हैगा. ठीक है, सो इट मीनस साढ़े को 5 की आ वॉल्यूम वी एट 3.32 bar. बार तो की पता चलता है साढ़े को गिवन आ, दैट इज प्रेशर. सो आर द वैल्यू सू गिवन आ, दैट इज 0.83 bar, 0.083 bar डेसीमीटर क्यूब पर कैलविन पर मोल. सो बाय अपलाइंग द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, जो सन टर्म्स गिवन आ, दैट इज पी गिवन सी, वी गिवन सी, एन गिवन है, टी फाइंड आउट करनी है, आर दी वैल्यू सू ऑलरेडी गिवन आ. सो वैल्यूज पुट करो, टेम्परेचर लैफ्ट हैंड साइड तो लैके आओ, बारिश बाकी सारी टर्म राइट हैंड साइड बाय अपलाइंग दीज वैल्यूज. ठीक है, दीज वैल्यूज पुट कर दो एंड वी कैलकुलेट दैट 50 Kelvin. सो साढ़े को टेम्परेचर कितना आ गया 50 Kelvin. सो बेटा सारे जिन्हें भी न्यूमेरिकल तुसी करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सब तो पहला नोट डाउन करो कि थोड़े को की गिवन है. ओके, आफ्टर दैट देखो कि केड़ी चीज़ कॉन्स्टेंट जा रही है, उदे अकॉर्डिंग जिन्हें भी असी लॉस कर रहे हैं उन्होंने रिमैंबर करो, उन्होंने लॉस की इक्वेशन देखो. ठीक है, एंड उसको अपलाई करो, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उन्होंने लैफ्ट हैंड साइड पर लैके आओ एंड बाकी सारी टर्म को राइट हैंड साइड पर लैके आओ. ओके, एंड दैन बाय अपलाइंग दीज वैल्यूज, ठीक है, एंड जो थोड़ा आंसर ठीक है वो कैलकुलेट हो जाएगा. ओके,